ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। उस जगह का एक पुराना वीडियो सामने आया है। वीडियो पिछले दिनों उस वक्त का बताया जा रहा है जब ज्ञानव्यापी के भीतर वजू खाने की साफ सफाई चल रही थी, उसी दौरान ये शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब दावे तक किए जाने लगे हैं कि यहां मस्जिद के नीचे शिवलिंग था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अंदर का ले लो, अंदर का बहुत करा ना। तो देखा आपने किस तरीके से एक मस्जिद के वजू खाने को कुआं बताकर उसके अंदर वाटरप्रूफ कैमरे यूज करके तकरीबन 1500 फोटो और वीडियोस लिए गए हैं। जी हाँ, 1500 फोटो। सोचिए, सबूत बनाने के लिए 1500 फोटो लिए जा रहे हैं, तब उसके अंदर 12.8 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। तो वही गोदी मीडिया लगातार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है कि ये शिवलिंग 9 फुट का था तो कोई 10 फुट का बता रहा है। बढ़ते बढ़ते शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है, जैसे बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। वही आपकी प्यारी बुआ अंजना ओम कश्यप ने तो इसकी ऊंचाई 12.50 इंच बता दी है। जी हाँ, जिस तरह से ज्ञानव्यापी में हिंदू पक्ष से शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, वही सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने शिवलिंग मिलने के दावे को गलत बताया है और दावे के साथ कहा कि जिस हिंदू पक्ष शिवलिंग को बता रहे हैं वो वास्तव में पत्थर का प्राचीन फव्वारा है। सोचिए, एक फव्वारे को शिवलिंग बता दिया जा रहा है तो कभी ताजमहल को तेजो महल बता दिया जा रहा है तो कभी किसी मस्जिद की खुदाई की जा रही है। सही भी है, युवा पीढ़ी को रोजगार ही चाहिए था, सो मस्जिद खुदाई में भक्त युवाओं को रोजगार मिल चुका है। सरकार की आईटी सेल को भी नए नए चैलेंजेस पूरे करने होते हैं, तो आईटी सेल अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। देखिए कैसे सरकारी आईटी सेल ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके शिवलिंग होने की फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहा है। झूठ को कैसे सच बनाना है ये सरकारी आईटी सेल आपको बता देगा। वहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे महानुभव लगातार मुस्लिमों के लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए शिवलिंग है का नारा लगा रहे हैं, तब हर हर महादेव का जाप करते हुए झूम झूम कर गा रहे हैं। दरअसल अभी इन्हें यह नहीं पता कि ये शिवलिंग मिलने की खुशी नहीं है, ये खुशी तो इनके दिमाग के दिवालिया होने और महंगाई बेरोजगारी के बढ़ने की है। वहीं दूसरी तरफ हैरत की बात देखिए, हिंदू पक्ष के वकील ने शिवलिंग मिलने की जानकारी दी, साक्ष्य बताया गया और कोर्ट ने तुरंत उसे साक्ष्य मानकर उस वजू खाने को सील भी कर दिया। क्या ये बिल्कुल बाबरी मस्जिद जैसा हो रहा है या फिर वाकई में बाबरी मस्जिद मामला ही बनाया जा रहा है? खैर, इसमें देखने वाली बात यह है कि इस बार भी कोर्ट धार्मिक आस्था के आधार पर न्याय करेगी या फिर निष्पक्ष होकर सही फैसला सुनाएगी, जिससे देश की जनता को भी कोर्ट पर विश्वास हो जाएगा कि वाकई में कानून अंधा नहीं है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनहित आवाज। नमस्कार।